अरे कहाँ, मैं तो आपके साथ ही चल रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, गप सप भी कर रहा हूँ। और भाई साहब बोले थे कि लेके आना है, वो भी ध्यान में है। अरे बदमाश कहीं का। कैसा लड़का है, साथ साथ मेरे भी डर। आए ना वहां पूछो, वहां ओए पहलवान। हाय हेलो, कुछ तो कीजिए। हीरो लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। दुर्गम चेरू हैदराबाद। हाय, काफी खूबसूरत जगह है ये दुर्गम चेरू, तेलुगु नाम है लगता है। इसका क्या मतलब है पता है किसी को? दुर्गम चेरू ये काउंटर है, एडल्ट के लिए 10 रुपये और चाइल्ड के लिए 5 रुपये है। टाइम मॉर्निंग 5 AM to 8:30 AM और इवनिंग में 4 PM to 8:30 PM तक है। यह है एंट्री, इसका गार्ड्स हैं इधर। एंट्री करते वक्त यहाँ पे चेक किया जाता है। ये स्टैचू देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, कई सारे स्टैचू हैं, एक्चुअली हर तरफ हैं। ये देखें, माइन स्पेस। ये क्या है? अरे पूजा माजा, ये कैमरा जरा खराब है, तनुषा फोटो काट की। अच्छा ये हैंड है, आगे से देखने से पता चलता है, पीछे से कुछ नहीं पता चल पा रहा। ये वाला भी देख सकते हैं, ये भी हैंड है, एक पैर को इस तरह से गोल करके पकड़ा हुआ है। ये दोनों लौंडे जो चिकने चुपड़े दिख रहे हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं। किसके चक्कर में? किसके चक्कर में नहीं, हमेशा आपको चक्कर ही क्यों नजर आता है? मैं तो कह रहा हूँ ये दोनों चिकने चुपड़े लौंडे जो दिख रहे हैं ना, मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा ऐसा। हाँ आओ, ये क्या कहलाता है ये दो जो दिख रहा है? फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगोज। फ्लेमिंगोज, हाँ फ्लेमिंगो है। ईगर भी इधर दिख रहा है, देखिए लाइव बर्ड्स, बगुला कहते हैं। ओमन करल से, हाँ। वी आर ऑन द वे टू आवर डेस्टिनेशन। गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप तेज। ये बांस का झाड़ी, अरे तुरे काफी मेहनत कर रहा हूँ। ये लौंडे लुपारे लोग बोल रहे हैं कि भीज गए हैं। ये देखिए, हमारे दोनों भाई साहब सेल्फी में लगे हुए हैं,
देखिए किसे गंभीर मुद्रा में खड़े हैं दोनों। देखे अठन्नी चौवन्नी मुस्कान कैसी है इन लोगों की। और नहीं तो क्या, महिला मित्र सब नहीं है कि ऐसा ले डाल सकते हैं। ये सही है, अगर आपको चाहे तो ले भी सकते हैं, मित्र तो कहीं भी बन सकते हैं लोगों के। यही करना ही होगा, दूसरा क्या कर सकते हैं। ये एक्चुअली कौन सा पेड़ है, इतना खूबसूरत पेड़ लग रहा है, बहुत स्ट्रेंज है। लेकिन ये लाइए इसे करीब से जरा देखते हैं। ये देखिए, किसी को पता है ये कौन सा पेड़ है, कमेंट में बताइए। हाँ, यहाँ पे एक अवेयरनेस बोर्ड भी लगा हुआ है, से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक यूज करना अच्छी बात नहीं होती है, पोल्यूशन बहुत फैलता है इससे। ये वाला पेड़ जो पहले हमने देखा तो वही है, एक्चुअली ये काफी स्ट्रेंज पेड़ है, अभी तक हमें नहीं पता चला ये कौन सा पेड़ है। ये देखिए, ये बच्चों के खेलने कूदने के लिए पार्क है छोटा सा। ये देखिए बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। ये इतना बड़ा चेज का क्या है ये? ये एक्चुअली खूबसूरती के लिए बनाया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, ऐसे ही बनाया गया। ये एक तरह का झील है ना? हाँ झील है ना, झील है ये। ये झील है, वाटर रिजर्वियर। हाँ तो क्या बोल रहे थे, ये क्यों बनाया गया है? फ्रेश वाटर रिजर्वियर। क्यों बनाया गया ये? जमाने में जब क्या बोलते थे, वाटर सप्लाई के लिए क्या बोलते। अच्छा, गोलकोंडा में वाटर सप्लाई यहीं से किया जाता था। अच्छा, देखिए गुफरान भाई उधर आइसक्रीम पे डोरे डाल रहे। आइसक्रीम अवेलेबल है इधर, सारे लोग आइसक्रीम के मजे ले रहे, गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ डीसी लिखा हुआ है, डीसी स्टैंड्स फॉर दुर्गम चेरू। मैं अपने आइसक्रीम पे जोर दिया हुआ था, लेकिन अभी अभी वासिफ भाई कुछ देखकर बोल रहे थे कि एक अनार सौ बीमार, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। काफी खूबसूरत पेंटिंग्स है। ये देख लीजिए, एक हैंडसम मर्द एक सुंदर कन्या के साथ खड़ा है। पीछे काफी खूबसूरती दिख रहा है। यहाँ बोटिंग की भी पूरी इंतजाम है, और वो देखते हैं लैक्स पुलिस साइबराबाद पुलिस स्टेशन के अंदर आती है शायद ये एरिया। ये बड़ी वाली बोट्स हैं, इसी का टिकट लिया हम लोग। एक्चुअली हम लोग ये पैडल बोर्ड ही लेना चाह रहे थे, लेकिन इसमें भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो कोई फ्री है नहीं अवेलेबल, इस वजह से ये बड़ी वाली बोट का हम लोगों ने टिकट लिया है। और ये सामने से देख सकते हैं, ये लंबी सी जो ऊंची ब्रिज है, काफी खूबसूरत लगता है। और ये सिग्नेचर ब्रिज है एक्चुअली, इसके सामने में अगर देखिएगा तो सामने ये देख सकते हैं इन ऑर्बिट मॉल अवेलेबल है।
वो है बस ये बोट देखिए, स्टीमर एक्चुअली है, काफी फास्ट आ रही है। ओ माय गॉड, जबरदस्त एडवेंचर। आओ, जोरदार धक्का लगा बोट पे। एक्चुअली ये हमारी बोट है, हमारी बोट आ चुकी है, अभी हम इसी पे जाने वाले हैं। ये लोग जैसे ही बाहर उतरते हैं उसके बाद हम लोग जाएंगे इसमें। ये बोट जो अभी आई थी, अभी फिर से इसमें लोग बैठ रहे हैं। ये अभी थोड़ी देर में जाने वाली है। ये देखिए धीरे से आगे बढ़ी, अभी स्टार्ट हो गई है। जब ये भागती है बहुत फास्ट भागती है। देखिए ये मोरा गया, ये शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितना तेज भागेगी है। कितना खूबसूरत लगता है ये। इसमें बैठने का मजा ही कुछ और है। सामने में एक गोल सा घर दिख रहा है, वो भी काफी खूबसूरत देखते हैं। ये बड़ी वाली बोट अभी निकल रही है ना। एक्चुअली निकल नहीं रही है ये, हम लोग ही वाली बोट निकल रही है। खूबसूरत नजारा। स्टीमर देखिए कितने फास्ट आ रही है। ओह माय गॉड, कितने फास्ट निकल रही है। सेल्फी दीपे अरे मुझे मनाल का मनाल मत अंदर अचानक से मूव मत कीजिए। ये बोट हमारे पीछे पीछे आ रही है, पता नहीं क्यों अभी काफी स्लो आ रही है। लेकिन इसके पीछे पानी देखने लायक रहता है, कितना मूव कर रहा है ये पानी। आओ अरे वो बोटमैन एक्चुअली इस बोटमैन से कुछ बात कर रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है। ले लिया अभी स्पीड पकड़ी। Mira, macam.
ये लास्ट शोर तक आ गए ना, अब यहाँ से मूव करने वाले वापस जाने वाले। ये बोल्डर कितना खूबसूरत, ये दोनों यूट्यूब पे आने के लिए मरे जा रहे हैं। ये दोनों बंदा सही से वीडियोग्राफी नहीं करने दे रहा। कितने कमाल की हवा भी चल रही है। ब्यूटीफुल इट्स फ्लाइंग। आओ सामने वाले नजारा कितना खूबसूरत है। ये एक्चुअली बड़ी वाली बोट है, इसमें हम लोग शुरू में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि यहाँ से जाने वाले हैं। सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर गाड़ियां भी चल रही है, देखी जा सकती है। अरे ये दिख रहा है, स्टीमर भी आ गए। ये सिग्नेचर ब्रिज है, नीचे से देखा जा सकता है। लोग इधर खड़े होकर के भी मजे कर रहे हैं। We have come back to the starting point now. It's time to get off the boat. Sanda pandaga chapal gar pandaga bada wala gaya chapal gar pandaga sare log utar rahe hain। ब्रिज टेबल ब्रिज का
दुर्गम चेरू। ऊपर में क्या है ये? ये ऊपर पहाड़ है ना, ये बदमाश लड़का इधर भी बैठा हुआ है। इधर ऊपर जाने के लिए भी हमें 50-50 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े। इधर क्या है? Only machines. हाँ, ये लड़का ऐसा है कैमरा देखते ही बैठ जाता है। आए ऊपर से चढ़ते ना, इधर से चढ़ते भाई ना। Oh my God, ये क्या है? अरे भाई रुक जा, फिर भाई वहाँ जाइए अभी तो। थोड़ा डस्टबिन है वहाँ पे, थोड़ा पीछे पीछे। ये डस्टी बॉय डस्टबिन के नज़दीक। अभी तक हम लोग मोर देन 2 आवर्स चल चुके हैं, लेकिन अब भी आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आगे देखने लायक अभी बहुत कुछ बाकी है। मौज की तलाश में हम ये कौन से पहाड़ पे आ गए। चलते चलते हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, ये पहाड़ का टॉप है, हम टॉप पर आ चुके हैं और यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, जैसे कि ये नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है।
तो वासिफ भाई, ये इरशाद भाई क्या बोलते हैं? हाँ और बारिश दोनों शुरू हो गई है और हम लोग एक छोटे से घर के अंदर चुके हैं। इस वक्त बाहर रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। तो हम लोग अभी बारिश खत्म होने के इंतजार कर रहे हैं, फिर यहाँ से बाहर जाएंगे। Here are my two devils. Devils. वीडियो से नहीं आ रहा नाइट में। बारिश खत्म होने के बाद अब हम लोग पहाड़ से नीचे आ चुके हैं और रात भी हो गई है, अब हम घर जाएंगे। नहीं यार, धुंधला एकदम। हम लोग जिस एंट्रेंस से अंदर गए थे वहीं वापस आ चुके हैं और नाइट में ये लाइट पैटर्न्स बहुत खूबसूरत लग रहा है। लोग काफ़ी मज़े ले रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों की जर्नी ख़त्म होती है। सो बाय बाय।